नमस्कार दोस्तों, सेलजिन बायोटेक इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे द्वारा सिट्रस की एक नवीन प्रजाति वैलेंसिया सीडलेस ऑरेंज का कैसे लैबोरेटरी के अंदर हमारे द्वारा प्लांट्स डेवलप किए जा रहे हैं और कैसे इस नवीन प्रजाति को हमने हमारे फील्ड में डेवलप करके इसके टिश्यू के माध्यम से इसको लैबोरेटरी में डेवलप किया, क्या क्या R&D में हमको परेशानियाँ आईं, क्या क्या हमने उसको पौधे के बनाने में हमको परेशानियों का सामना करना पड़ा और कैसे इतने प्रयत्न के बाद ये वैरायटी हमको तैयार हुई, ये हम आपको पूरा विस्तार पूर्वक हमारे साइंटिस्ट महोदय आपको बताएंगे। चलिए हम आपको वैलेंसिया की फील्ड पर ले चलते हैं, जहाँ पर हमारे सिट्रस वैलेंसिया सीडलेस ऑरेंज लगाया हुआ है और क्या इसके रिजल्ट्स हैं, ये हम आपको बताते हैं। हम कुछ नींबू वर्गीय पौधे पे भी वर्क कर रहे हैं, जिसमें से एक ये वेलेंसिया वेराइटी है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है फॉरेन में, जिसका हम इनिशिएशन करेंगे। इसके लिए हम जो एक्स प्लांट लेंगे वो राउंड शेप में होना चाहिए और सेमी मैच्योर एक्स प्लांट होना चाहिए। इनका साइज़ 1 से 2 इंचेस होना चाहिए। वैलेंसिया ऑरेंज इज़ अ वेरी पॉपुलर वेराइटी इन US एज वेल एज इन स्पेन एंड इट वॉज अ सीडलेस वेराइटी ऑफ ऑरेंज। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू शो यू द इंटायर प्रोसेस। जैसा कि आपने देखा, हम लोग फील्ड से वैलेंसिया ऑरेंज का एक्सप्लांट लेकर के आए हैं। इसको लैब में ले जाने से पहले एक थोड़ी प्रोसेस रहती है, स्टरलाइज एरिया में ले जाने से पहले इसको सरफेस स्टरलाइजेशन किया जाता है। सरफेस स्टरलाइजेशन की क्या प्रोसेस है, हमारे साइंटिस्ट आपको बताएंगे। सरफेस स्टरलाइजेशन करने के लिए हमें इसको ट्रिक चेंज करना पड़ता है, जिस स्टरलाइजेशन वाटर और फंगीसाइड बफर सॉल्यूशन 220, इन सभी का टाइमिंग अलग होता है। अलग अलग टाइमिंग पर इनको स्टरलाइज करते हैं और फिर हम अंदर लेमिनार रूम में ले जाते हैं, जहाँ इनका इनिशिएशन प्रोसेस होता है। आइए आपको बताते हैं। अंदर जाने से पहले हम इसको यूवी के थ्रू पास बॉक्स के द्वारा अंदर इनका करवाते हैं। इनिशियल प्रोसेस में ऑरेंज का वेलेंसिया सीडलेस ऑरेंज को इनोकुलेशन करेंगे, जिसकी आप इनिशियल प्रोसेस सीडलेस। सबसे पहले हम हेम को स्टरलाइज करेंगे, उसके बाद ऑरेंज वेलेंसिया को इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डेविस्टिन में अच्छा 10 मिनट तक शेकिंग करेंगे, उसके बाद इसको डिस्कार्ड करने के बाद हाइपोक्लोराइड से करेंगे 5 मिनट, HGCl से करेंगे 2 मिनट और स्कॉर्बिक एसिड से करेंगे 3 मिनट, और हर एक ट्रीट करने से पहले 3-3 बार RO से रिंस करेंगे। अब सबसे फाइनल IPA से ट्रीट करने के लिए बाद हम इसको कट करेंगे और इनोकुलेट करेंगे। इसको प्रॉपर कट होने के बाद 1 से 2 मिनट ड्राई होने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएंगे तो इनको इनोकुलेशन करेंगे।
ये जो हमने ऑरेंज को रखा था वेलेंसिया, इसको एक मंथ के लिए ग्रोथ रूम में रख रहे हैं। इसको एक मंथ बाद देखेंगे कि इसमें स्पॉटिंग और मल्टीप्लिकेशन के लिए रेडी हो जाएगा। तो एक्स प्लांट से हम कट करके उसको मल्टीप्लाई के लिए ले जाएंगे। एक मंथ बाद जो है इनिशिएशन के पश्चात आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ है सीडलेस वेलेंसिया ऑरेंज की, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है ये लेबोरेटरी के अंदर। ऐसा लगता है कि आगे इसको हम रूटिंग में ले जा करके रूटी और मल्टी मीडिया से इसके अलग अलग प्लांट्स तैयार करेंगे और वो भी आगे अच्छे रिस्पॉन्ड करेंगे। मल्टी और रूटी प्रोसेस चल रहा है हमारे पास ऑरेंज वेलेंसिया का। इसमें हम मल्टी प्रोसेस में आप देखेंगे हम प्लांट को इनोकुलेट कर रहे हैं और रूटी के लिए भी इनोकुलेट कर रहे हैं, जिसको वन मंथ के लिए हम ग्रोथ रूम में रखेंगे। तो आइए आपको अब बताते हैं कि हम ग्रोथ रूम में कैसा रूटी और कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। आज वेलेंसिया ऑरेंज की प्रोग्रेस हम चेक करते हैं। एक महीना पूरा हो चुका है हमको रोटी और मल्टी किए हुए, तो पहले सर आपको बताएंगे कि मल्टी की क्या प्रोग्रेस है। मल्टी का काफ़ी हेल्दी प्लांट है और मल्टीप्लाई रेशो भी हमें ज़्यादा मिलेगा, काफ़ी अच्छा है। लिप्स की जो बनना चाहिए लिप भी पूरा है और ब्रांचेस भी अच्छी मिल रही हैं। इससे हमें रूटिंग में काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है कि रूटी हमने ज़्यादा प्लांट मिल सकते हैं रूटिंग के लिए। आइए आपको मल्टी के साथ साथ रूटिंग भी दिखा दें। एक महीने के बाद रूटी और मल्टी का कल्चर करने के बाद ये रिजल्ट्स हमको मिले हैं और ये हमारा रूटी कल्चर है। रूटी कल्चर में आप देख सकते हैं कितना बढ़िया जो है रूट्स का डेवलपमेंट हुआ है, जो कि प्लांट्स को ग्रोथ करने में काफ़ी सपोर्ट करेंगी। और ये प्लांट अब बिल्कुल रेडी है बाहर प्राइमरी हार्डनिंग के लिए जाने को, जहाँ पर इसको हम पीट मॉस में प्लांट करके और प्राइमरी हार्डनिंग के लिए इसको ग्रोथ करेंगे। आप देख सकते हैं प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी दिख रही है, प्लांट की हाइट, प्लांट की हेल्थ, प्लांट की लीव्स और प्लांट की रूट्स बता रही हैं कि ये प्लांट काफ़ी हेल्दी है। चलिए अब हम आपको जो है प्राइमरी हार्डनिंग में दिखाते हैं कैसे इन प्लांट्स को ग्रोथ दी जाती है। हमने हमारे ग्रोथ रूम में LED का R&D करके लगाया है, जिसमें 20-80 का रेशो है ब्लू और रेड का, जिसमें हमें प्लांट की ग्रोथ काफ़ी फास्ट है, रूट डेवलपमेंट और रूट जोन में काफ़ी इफेक्टिव है। और साथ ही इसमें लाइट का जो खर्चा आता है वो भी काफ़ी कम हो रहा है और प्लांट के आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रूट जोन बनता है और प्लांट भी काफ़ी हेल्दी हैं। और डार्क मोड के लिए भी हम LED का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, जिससे लाइट को हम बचा रहे हैं और LED में हमें रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे मिले हैं। इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी काफ़ी अच्छी है, जिसमें इसमें लिप्स का इफ़िशेंसी देख लें आप, लिप्स का डेवलपमेंट देख लें, रूट जोन देख लें, रूट जोन अच्छा है तो इनके लिप्स भी काफ़ी अच्छी हैं, और जो कि हमें प्राइमरी हार्डनिंग में मोर्टिलिटी से बचाता है। वेलेंसिया ऑरेंज है, इसमें काफ़ी अच्छी रूटिंग आई है। इसको हम अगार रिमूव करके प्लांट को लगाएंगे, हेल्दी प्लांट है, रूट जोन भी काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ है। इसको वॉश करेंगे और फिर प्राइमरी हार्डनिंग में प्लांटिंग के लिए लेके जाएंगे। हम जो लेबोरेटरी से वेलेंसिया ऑरेंज लेके आए थे उसका प्लांटिंग हो रहा है, जो कि हम रूट ट्रेनर में लगा रहे हैं, जिसमें रूट बंडल अच्छा बनता है और काफ़ी जल्दी अर्ली ग्रोथ करता है प्लांट और हेल्दी भी रहता है। साथ में इसमें ट्रांसपोर्ट में भी प्रॉब्लम नहीं आती है और एक पॉट में 40 प्लांट होते हैं, जो कि इजीली ट्रांसफ़र के लिए काफ़ी कंफर्ट है। अब हम इनको प्लांटिंग कर दिया है, अब टनल में रखने जाएंगे। प्राइमरी हार्डनिंग में प्लांट्स को रखे हुए आज लगभग एक महीना हो चुका है और प्लांट्स की हार्डनिंग काफ़ी अच्छी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इनका रूट जोन भी काफ़ी अच्छा है और प्लांट्स काफ़ी हेल्दी दिखाई दे रहे हैं।
तो दोस्तों, हमारे साइंटिस्ट महोदय द्वारा आपको पूरा विस्तार पूर्वक बताया गया है कि कैसे एक्स प्लांट को टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी के अंदर लाया जाता है और कैसे उस टिश्यू कल्चर प्लांट को तैयार किया जाता है। इस पूरी तकनीकी को इस्तेमाल करके हम प्लांट फाइनली किसान को बेचने योग्य बनाते हैं। इतना प्रयत्न हमको करना पड़ता है, तब जा कर के प्लांट हमारा तैयार होता है। तो दोस्तों, हाल ही में हमारे द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स से कुछ प्रमुख वेराइटीज़ हैं जो कि इम्पोर्ट की गई हैं, उनको क्वारंटाइन करने के उपरांत जो है हमारे द्वारा उनको उन वेराइटीज़ में से एक्सप्लांट लेकर के लेबोरेटरी के अंदर इनिशिएशन स्टार्ट कर दिया है। तो हमें उम्मीद है कि हम कुछ समय बाद आपको जो है नवीन प्रजातियाँ, जैसे कि सिट्रस में देख लें तो वैलेंसिया सीडलेस ऑरेंज, तो ये वैरायटी भी हमारे द्वारा टिश्यू कल्चर लैब से तैयार की जा रही है, जिससे कि डिजीज़ फ्री प्लांट तैयार हो और किसानों को कम दाम में अच्छे पौधे, हेल्दी पौधे उपलब्ध कराए जा सके। इसी प्रकार हम लोग निरंतर रूप से नई नई वैरायटियों पर काम कर रहे हैं, जिससे कि किसानों को अच्छी वैरायटीज़ उपलब्ध हो सकें। तो मेरा सुझाव है, किसानों को टिश्यू कल्चर प्लांट्स लगाना चाहिए। टिश्यू कल्चर प्लांट्स की विशेषताएं ये हैं कि टिश्यू कल्चर प्लांट्स 100% डिसीज़ फ्री, वायरस फ्री प्लांट्स होते हैं। टिश्यू कल्चर प्लांट्स एक मदर प्लांट, सिलेक्टेड मदर प्लांट जिसको सिलेक्शन करते हैं मदर प्लांट्स का, 1000 मदर प्लांट्स, 500 मदर प्लांट्स हमारे पास ऑर्चर्ड्स में हैं, लेकिन उनमें से एक पर्टिकुलर मदर प्लांट्स हम सिलेक्ट करते हैं। उस सिलेक्टेड मदर प्लांट से हम मिलियंस प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जब किसी फार्मर्स को, जब कोई ऑर्चर्ड लगाएगा, तो उसको जो 1000, 500, 2000, 3000 पौधों का जब वो ऑर्चर्ड लगाता है, तो उसको उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म होते हैं प्लांट्स, जेनेटिकली प्योर होते हैं। एक से कैरेक्टर्स जो उनकी मदर होती है, और जो उसके सारे कैरेक्टर्स उन प्लांट्स में सेम आने के कारण किसान को जो एक पेड़ में यील्ड मिलती है, वैसे ही उस सारे बगीचे से उसको यील्ड प्राप्त होती है। ना प्रोडक्शन में कमी आती है, ना प्लांट के अंदर जो टेस्ट है वो यूनिफॉर्म रहता है। प्लांट्स के अंदर जो सीड्स का लेवल है, अगर कोई प्लांट सीडलेस है, दैट मीन्स पूरा ऑर्चर्ड उसका सीडलेस रहेगा, यानी कि एक प्लांट में सीडलेस फ्रूट्स आ रहे हैं, एक प्लांट में सीड्स के साथ फ्रूट्स आ रहे हैं। इसी प्रकार प्लांट्स का टेस्ट यूनिफॉर्म रहता है। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं फार्मर्स को कि टिश्यू कल्चर प्लांट्स लगाएं, और इनसे ये फैसिलिटी विशेषताएं जो है फार्मर्स को डेवलप होती हैं। और इसके अलावा किसान को जल्दी से जल्दी प्लांट्स की कैनोपी बहुत अच्छी डेवलप होती है, प्लांट्स जल्दी डेवलप हो जाता है। 2-3 साल में जो है आप फार्मर्स उससे कॉमर्शियली यील्ड लेना शुरू कर सकता है, और प्लांट का जो किसान का जो ऑर्चर्ड है वो कम ही ड्यूरेशन में काफ़ी डेवलप हो जाता है। तो इसलिए हमारा सजेशन है फार्मर्स से कि टिश्यू कल्चर के पौधे अपनाएं और उनको लगाएं। इसके अलावा किन किसानों को अगर प्लांट्स चाहिए तो उनकी बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग करने के लिए, अपनी कोई समस्या के लिए, आप हमको हमारे ऑफिशियल ईमेल info@selginbiotech.com पे मेल लिख के भेज सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9425436112, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। उस पर आप जो है आपका व्हाट्सएप से मैसेज हमको भेज सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी डिमांड है, वो हम पूरे इसके थ्रू नीड्स पूरी करेंगे। तो सेल्जिन में आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।